हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सुनील यूट्यूबर की अनदर वीडियो, जो कि है चंदन की दुल्हन। ओके, फनी इंडियन वेडिंग पार्ट 20, सुनील यूट्यूबर। ओके, मतलब ये जो वीडियो होने वाली है वो इंडियन वेडिंग्स में जो फनी मोमेंट्स हो जाते हैं उनके ऊपर है शायद कुछ। ठीक है, थंबनेल से भी वही लग रहा है। तो देखते हैं यार कैसी वीडियो होने वाली है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार ज़रूर चेक करना। Let's start the video. ना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है। जब आप सपने देख रहे होते हैं मर्सिडीज के और मिल जाती है फरारी, तो एक बार में देख के जी नहीं भरता है यार। लौंडा बार बार देखता है, बवाल चीज है वे। जी तो अभी भी नहीं भरता है। लौंडा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हाँ ये इतनी सुंदर, आत्महत्या कर लूं इसके नाम से, या फिर इसके नाम का पट्टा अपने गले में बांध के पूरे गाँव में घूमूं, या इसका गुलाम बन जाऊं। मतलब पूरा जोरू का गुलामबाजी फीलिंग आती है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। भैया सरकारी नौकरी का सर। भी दूरियां नजर आ रही हैं। कुछ लौंडे तो भाई साहब इतने कमजोर हैं दिल के कि अपने दिल पे काबू ही नहीं रख पा रहे हैं, मंडप में ही शुरू हो जा रहे हैं। कर लो पहले तुम। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, बंदे को इतना सबर नहीं हो रहा है कि विदा करके आराम से घर ले जाए फिर ये सब करे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बंदी फोन में व्यस्त है और दूसरा बंदा आने तारे यार लवबर्ड्स। मैं इस लड़के की मम्मी को कहना चाहूँगा कि तुम्हारा लड़का शादी के बाद एक ही रात में जोरू का गुलाम बन जाए तो इसमें उससे गलत मत ठहराना, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है यार, सब मोह माया का चक्कर है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। क्योंकि मोह माया नहीं होती तो ये लौंडा टीका टीक दोपहर में इन औरतों के बीच में नहीं घूमता। मुंह में आंत नहीं है और पेट में दांत नहीं है। सही बात है। सामने वाले दो दांत गुटका ने मरघट तक पहुंचा दिए, लेकिन आस की उसमें कमी नहीं आ जाए। सही बात है। चक्कर इनका और इनका चल रहा है। दानी नन्नारो। लड़की भी चलती नहीं, घासे मुंह फेर फेर के देख रही है। ताने नाने नो, ए नन्नारी नारे। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस कैमरामैन पे आ रहा है। उधर वो बंदा आस्की के तार जोड़ने में लगा हुआ है और इस बंदे ने उसके मुंह पे फोकस कर दिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। विमल बोलो जुबान केसरी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़कियां तो चलो डांस कर रही हैं, मगर ये क्या है, कौन सा हारमोनियम बज रहा है ये। खैर छोड़ो, मुझे पता है तुमने मेरी बात कम सुनी है, इस लड़की का डांस ज्यादा देखा है। छोटी बच्ची हो क्या? तो आपने देखा किस तरह गांव के लड़के रास्ता चलते शादियों में आस्की को अंजाम देते हैं। इसके अलावा गांव में एक चीज और देखने लायक है, जैसे कि कोई लड़की शहर से आती है गांव की शादी अटेंड करने के लिए, तो उसके जहन में एक ही चीज चलती रहती है कि ऐसा डांस करूंगी कि वहां की औरतें देख के हैरान हो जाएं और जल के राख हो जाएं। ओके। शर्म करो। आपको पता है पीछे वाली अम्मा क्या देख रही है? उनकी नजर सिर्फ घाघरा पे है कि कैसे हवा में उड़ रहा है, और लड़की भी जलाने की फुल चरम सीमा पे है, उन्हीं की तरफ को कर कर नाच रही है खुदा खुदा के। देखो इतना जलाना ठीक नहीं है, वो गांव की भोली भाली औरतें हैं तो तुम इतना जलाओगी? नहीं भैया, जला थोड़ी रही है, वो अपना डांस कर रही है। तो यार जलन तो होती है ना, जब एक्स्ट्रा चीजें खुदा खुदा की दिखाई जाती हैं तो। अबे साले सॉरी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। अब इसी में देख लो, बेचारी से नहीं रहा गया तो आखिर में बोल ही दिया। तू बड़ा जल्द दिखा रही है, क्या करके मानेगी, पक्का किसी को गिराने का इरादा है ना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियां आखिर लड़कियों से इतना जलती क्यों हैं? हाँ मैं मानता हूँ कुछ लड़कियां जानबूझ के जलाती हैं। बताओ कोई तरीका है
जबरदस्ती उसके हस्बैंड से चिपकी जा रही है और इतना ही नहीं पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही है कि जल भी रही है। तेरी भी जली ना। चंदन की दुल्हन, डेट पता और लिख देती तो शादी का कार्ड बन जाता। देखो मैं बता रहा हूँ, ब्लाउज का इतना कपड़ा हटा के पति का नाम लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि पति के नाम पे अपना गोरा बदन दिखाना और लोगों को गिराना। मैं चंदन से एक ही बात कहना चाहूंगा, चंदन बेटा किधर हो, तुम सामने आओ बेटे, तुम्हारा चूतिया कट रहा है। माचिस तो यूं ही बदनाम है, असली आग तो इस भाई ने लगा रखी है। नहीं बहन, इस बात में कोई झुटाई नहीं है कि इस बंदे ने आग लगा रखी है। नहीं बहन, रास्ता चलते गाड़ियाँ रोक रोक के फोटो लिए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग पोज में। भाई साहब मैं सोशल मीडिया से जरा भी खुश नहीं हूँ, मैं नाराज हूँ। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, इस सोशल मीडिया ने हमारे पूरे यूथ को अपने कब्जे में ले लिया है, हमारे देश के हर प्रणाली को अपने हिसाब से क्रिया करने पे मजबूर कर रहा है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। नहीं झुकेगा तो मत झुक भैया, पुष्पा क्यों बना जा रहा है। मैं झुकेगा नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हारा माइंड बॉस हो चुका है, तुमको नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुमको तो सिर्फ ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके आप बहुत कूल और मॉडर्न बन रहे हो, बट नहीं, ये दूसरे लोग हैं जिनके उंगलियों पे तुम नाच रहे हो। ये सिनेमा जगत वाले तुम लोगों को जैसा नचाना चाहते हैं तुम नाच रहे हो। दंगे कराएंगे क्या? देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम कूल मत बनो, तुम डांस मत करो इन गानों पे, मॉडर्न मत बनो, सब काम करो यार जो तुम्हें अच्छा लगे, बट मैं आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इसके पीछे क्या मार्केटिंग चल रही है वो भी समझो। और अभी तो इस सदी की शुरुआत हुई है, यूथ छोड़ो, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस सोशल मीडिया के कब्जे में आ चुके हैं। ओ भाई, आप ठीक है, शादी भी इससे ही कर ले, बहुत आगे जाएगा। नहीं सही बात है, शादी भी उसी से कर ले, और इनको कितना मजा आ रहा है गले लग के। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, ये औरतें सिवाय तुम्हारा घर उजाड़ने की कुछ नहीं सोचती हैं। सोच रही हैं वीडियो बन रही है, गले लग लग के थोड़ी बातें कर लो, बीवी देखेगी, उसके बाद इनके बीच में लड़ाई होगी तो मजा आएगा फिर। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। और सोशल मीडिया ने भाई साहब जमाना इतना चेंज कर दिया कि लड़कियां अपनी परंपरा ही भूल गई हैं। नहीं एक बात बताओ, विदाई के टाइम पे कौन रोता है, लड़की ही रोती है ना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हम थोड़ी रोएंगे, और यहाँ क्या चल रहा है। Hey, I can't look at this. हमारा रोएगा कद्दू, हम क्यों रोए, हम क्यों रोए, हमारा कैसे। खैर जो भी हो, शादी है बहुत कमाल की चीज, ये सबको चरम सुख देती है, जैसे कि सिंगल लौंडो को उनकी सेटिंग बनवा देती है। आए, 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 मजे। बड़ों को भाभियों से मजे दिलवा देती है। और बुजुर्गों को जवानी लौटा देती है। नन्नारी नारे तानी नन्नारो, ताने नाने नो, ए नन्नारी नारे तानी। और लड़कियों को, लड़कियों के बारे में तो पूछो ही मत, ज्यादातर लड़कियां शादी में इसलिए जाती है ताकि वो जाकर किसी लौंडे को गिराएं और उनसे सेटिंग हो जाए। अच्छा। और बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कम दहेज में उससे शादी भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो सेक लगे। हाय यार, इस तरह की लड़कियां मैं बहुत मिस करता हूँ। ऐसी लड़कियां भाई साहब जिस शादी में आ जाती हैं उसकी रौनक ही बढ़ जाती है, हर बंदे के चेहरे पे एक अलग प्रकार का नूर दिखाई देता है, हर बंदा खुश नजर आता है। और जिस शादी में ये जाती हैं वहाँ हर बंदा इनका दीवाना हो जाता है और 10-15 लौंडे तो ऐसे ही गिर जाते हैं। सबसे पहले तो ये गाना ऐसा चुनती हैं कि बिल्कुल खुल के दिखा सकें। क्या मतलब, डांस दिखा सकें। और एक महीने पहले से पूरी प्रिपरेशन, कपड़े, जूते, वॉच, ब्रेसलेट, और फिर एक दिन पहले से मसाज, मेकअप, सारी चीजें मतलब करके आती हैं, खासकर उस लड़के के लिए
जिस पे इन्हें उम्मीद होती है कि इससे अगर सेटिंग हुई तो शादी हो जाएगी और मजा आ जाएगा। और डांस भी तभी करती है जब लौंडा सामने बैठा हो। और डांस करते करते मुड़ मुड़ के भी देखती रहती है कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लड़का भी बहुत बड़ा ठरकी होता है, इग्नोर मारता है, हालांकि दिमाग उसका वहीं होता है। लेकिन जैसे ही गाने का चरम पार्ट आता है, लौंडा फट से देखने लगता है। प्यार की राह में चलना Man will be man। बस सालो ठरकियो, खैर छोड़ो यार, मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि इस लड़की की मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि ज्यादातर लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की पसंद होगी जीएफ भी बना लेंगे, लेकिन साले दहेज की बात आएगी तो उसको छोड़ देंगे और कहेंगे, बहाना बनाएंगे कि मम्मी नहीं मान रही, कि पापा नहीं मान रहे। भाई लालची, जब शादी नहीं करनी थी तो बॉयफ्रेंड का नाटक क्यों कर रहा था है? भाई साहब, अब लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ जाती है। यार मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी, पर जो भी हो रात में मजा बहुत आया। देखो ये कंप्रोमाइज है, इसको गलत मत लेना। नहीं, शादी आसान थोड़ी है भाई साहब, 90% लड़कियां ऐसी हैं जो रात में सिर्फ मजा लेने के लिए, अबे साले सॉरी, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करती हैं, और उसके बावजूद भी हस्बैंड कितना सुख जीवन देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख जीवन देगा या फिर बाथरूम में घसीटेगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन दबा के कमेंट करके कौन सा पार्ट अच्छा लगा सब काम कर देना, और इंस्टाग्राम लिंक @SunilYouTuber ये रहा डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, मैं कमेंट पिन करूंगा आप लोगों का, तो दबा के कमेंट करना, बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और इस वीडियो पर लाइक एम रखता हूँ मैं, 50,000 लाइक कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओ भाई, तो यार ये थी वीडियो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। मतलब यार शादियों का सीज़न होता है तो मौज मस्ती धमाल सब कुछ होता है। ये मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इनकी मतलब एग्री नहीं करती हूँ कि लड़कियाँ शादी में सिर्फ लड़के पटाने जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को मतलब सेल्फ के लिए भी कुछ करना होता है कि हाँ इन्जॉय करेंगे, डांस करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता कि हाँ लड़के पटाने या कुछ एक्स वाई जेड, ठीक है। और यार ये मतलब ये चीज़ तो सही है कि हाँ हमारा जो यूथ है, जो हमारा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड के चक्कर में या फिर अलग अलग जो इस टाइम पे ये ट्रेंड्स आते हैं या फिर जो स्नैपचैट काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यार पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को फ़ोन लिमिटेड दें, क्योंकि वो उसका यूज़ कम मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि कुछ शॉर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। या फिर आजकल काफ़ी सारे फ़ोन्स में जो है मतलब पेरेंट्स देख सकते हैं कि हाँ बच्चों क्या वॉच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल एक अलग से बना रखा है, फ़ोन में फीचर्स आ रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करें इस वीडियो की तो यार बहुत ही अमेजिंग पार्ट था, बहुत ही अमेजिंग यार। वो मतलब बंदी ने नाम जो है पूरा कमर पे लिखाया हुआ चंदन की दुल्हन, और यार लड़का मतलब मानते हैं कि हाँ शादी हुई है तो आप लोग दोनों कनेक्टेड होंगे, बट सोशल मीडिया पे उस चीज़ को बार बार दिखाना या उस चीज़ के लिए पब्लिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिकली नहीं करनी होती हैं, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करें भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो मोमेंट्स हम इंजॉय करने चाहिए, ठीक है, कैमरे से दूर अवॉइड करके हमें इंजॉय करने चाहिए, वो हम इंजॉय की बजाय आजकल ऐसा चल रहा है ट्रेंड कि आप इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी उसको पोस्ट करने में एक बार सोचते भी नहीं है कि हाँ मतलब हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, बस जस्ट पोस्ट कर दिया।
तो उन चीज़ों को यार थोड़ा समझिए कि हाँ लाइफ जो है वो जीने के लिए मिली है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए नहीं मिली है, ठीक है। तो यार मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई, आई होप आप सबको भी रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।